अभी मैं मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। मैं हरेवली दिल्ली हरेवली गौशाला में आ रहा था और आड़े गौशाला में प्रोग्राम भी था। आज इस प्रोग्राम में हम भी शामिल हो रहे थे। एक और मान सामने छाप आ गया जिसके द्वारा हम लगातार अंत्य जानते रहे हैं और वो आड़ा लाग रहा है। और ये कई साथी हैं, बुजुर्ग हैं, ताऊ है, भाई हैं सारे। पहलवान जी राम राम। राम राम। आज क्यों कर गौशाला में? आज भाई गौओं की सेवा में संक्रांत ने प्रोग्राम था रहे। कुछ ये मेरे भाई ठीक हो उड़ा रहे थे, एक ताऊ यो ये बोले भाई संक्रांत सेहत गौ सेवा में गुजर आपके साथ हम उड़ता लेता हुआ है गौशाला में आगे। हाँ जी भाई, मैं एक बार मिलवाना चाहूंगा आपने पहलवान जी ने। आप सीधे तौर पर मैं कह दी भाई पहलवान राम राम, आप सोचेंगे कौन पहलवान है। एक बार रुको पहलवान जी, निंदू पहलवान जी हमारे साथ जुड़ गए। निंदू पहलवान नरेला, वैद निंदू पहलवान नरेला। जैसा इन्होंने एक और बीच में जकरा करया अखिये कुछ ठीक हो रहे आ रहे हैं, ताऊ ठीक हो रहा है, ये कतलू प्रता रहे ये ठीक हो रहे हैं, और भी कई जने ठीक होगा। ठीक मतलब पहलवान जी वैद है, वैद है ताऊ जी, और इलाज कराया करे उस इलाज के ही लिए ये सारे आए इधर, ये सारे ठीक कर दिए। फिर आज सारे मरीजा के साथ गौशाला में आज मुझे मारे थे संक्रांत ने उड़े काम देख कर फिर इसकी गौशाला की सालगिरह थी। बाकी तेरे हमदार मीने दान कर दिया, फिर गुड़ लाए हो? गुड़ लाए को सोमन तूड़ा दिया है। सोमन तूड़ा? हाँ जी। और गुड़ बाकी ये तो आई एतवार सोमवार ने मान लिया दान करना आया था। आई एतवार सोमवार भाई माँ की आशीर्वाद तर बाबा कृष्णनाथ की आशीर्वाद तरी गौ माँ के, तो जो गौओं का आशीर्वाद है ना यो। हाँ हाथ लगा दे वो ही ठीक हो जाए है। बिल्कुल है, गौ गौ पर तो हाथ फेरे वो भी उसके भी सारे रोग कर लो जी। आप बातों में एक बार बात कर लो अंकल जी। हाँ और राम राम। राम राम। कौन सा काम दारे हो? हलालपुर आलो गिलो वसद की। हाँ क्या दिक्कत हो रही थी आपके भाई? मेरे गोड्या में दर्द रहे था, गोड्या में दर्द था। हाँ गरीब ठीक हूँ मैं, आराम है? आराम है गणाए। अच्छा निंदू पहलवान ने ठीक करी? पहलवान जी ने ठीक करा निंदू ने। है सही में? सही में। आइयो जी एक बार आप भी। नमस्ते जी अंकल जी, के नाम है? नारा गांव है जी, नाम महताब सिंह जी। दैया साहब क्या हो गया था? मेरा कुछ नहीं जी, पहलवान जी की बड़ी प्रसिद्धि है। हाँ बहुत आदमी ठीक हुए हैं इनके इलाज से। अच्छा अच्छा। और जी ये बड़ी श्रद्धा रखे है गौवा में और ये आते जाते रहे हैं, आज भी इनके साथ आ रहे हैं। आइयो अंकल जी आप भी आओ अग्नि। राम राम भाई। कौन काम दारे हो? नारी दारे भाई। ये दिक्कत हो रही थी? पेट खराब था भाई, पेट ठीक हो गया पहलवान की दवाई था। पल पेट ठीक हो गया? हाँ। अच्छा ये गौवा की सेवा है? गौवा की सेवा में आगे पहलवान के साथ। वाह जी, वैद निंदू पहलवान के भाई करिश्मे बहुत गणे हैं, बाबा का आशीर्वाद तर गौ माता का आशीर्वाद तय। राम राम भाई साहब के नाम है? वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी कहाँ से? कतलू पर? क्या दिक्कत थी आपका? नाले हो गए जी, दूध का काम कराया था मैं। ओ पिया को ना बेची बेची गया ला लो। अदम मेरा एक हफ्ते में रेडी हो गया जी, कति जी कति रेडी है, एक हफ्ते में ठीक कर दिया। निंदू परवान जी आ जाओ ना, आ जाओ बार फिर बाटिए जावाए। अच्छा नू बताओ कितना गुड़ ले रही थे? दो क्विंटल गुड़ था जी, सोगमन तूड़ा है जी। अच्छा नू बताओ क्या क्या इलाज करो हो ये गणे नू का? मैं भी ठीक कर दिया। एक समस्या सर्वाइकल जोड़ों का दर्द गठिया बा, और नया लकवा का तो 5 दिन के अंदर अंदर का लकवा है, तो 5 घंटे में ठीक करेंगे। गारंटी? गारंटी जी। नू दारू दप्पा भी छुटवा दो, नशा जी, नशा किसी प्रकार का भी उसमें छुटवा भी होगा। एक मन ने पेशेंट भेजा था, एक रिश्तेदार का थी मारा। बताओ जी कई हजार पेशेंट ना इंग्लिश दूंगा पवन भाई। आड़े का की रहे हैं आप? आड़े बता देगा, मैं अपने मुंह देख कहूंगा अच्छा नहीं लगता। ठीक कर दिया, छुटवा दिया बिल्कुल 100%। शुगर देन बैठे पिए जाओ जाए बना पियो, बिल्कुल गारंटी 1 साल 5 से पी लेगा। वाह जी। पहला जी एक बार वो नरेला में जो अपनी दुकान है जहाँ आप बैठते हो जो इलाज करते हो उस जगह का नाम बताओ, एड्रेस? लामपुर रोड अंडर पास पुल के ऊपर इंदिरा कॉलोनी नरेला दिल्ली 40। नारा नारी का ना जो रोड आओ है वो अंडर पास के ऊपर ने साइड में चलो आप यू टर्न करके साइड में ऊपर आ जाओ, उड़े निंदू पहलवान का नाम था दुकान। हाँ जी निंदू पहलवान मेरा बेटा है, मनीष पहलवान। बिल्कुल नेशनल लेवल का पहलवान है मनीष पहलवान, दोनों बाबू बेटे उड़े। आप भाई आज तक पाकर मुलाकात होगी पवन भाई जी, आप भी आ रहे थे तो हम तो ये सारे भाई ठीक हो और आज बोले चलो पहलवान जी को गौशाला। सही है सही है, इनका आशीर्वाद तो सारा सौदा है, गौ माता का सब जम करेगी। इसका माथे पर हाथ फिर जाए बाबा कृष्णनाथ ने मरी माने एक बात कही थी भाई,
गौ ब्राह्मण साहब दोगी सेवा दिन कद हो जाएगी तो बड़े बड़े चमत्कार हो जाए पवन भाई। बिल्कुल, बोलो गौ माता की जय, बोलो गौ माता की जय। भाई हाल फिलहाल हम हाँ हरेवली गौशाला में, दिल्ली की गौशाला है हरेवली, बिल्कुल बॉर्डर से का गांव है हरेवली, और यहाँ पे ये कई एकड़ में गौशाला है, हजारों गौ माताएं यहाँ पे हैं और भाई गौओं की बहुत सेवा हो रही है। और इसी गौशाला में निंदू पहलवान नरेला, वैद्य निंदू पहलवान नरेला भी आज हमने मिल के और भाई पूरी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं, जो ठीक हो रहे हैं उन लेगा आ रहे हैं सेवा कराने दी। और भाई आप भी सेवा करा करो, और इस वीडियो ने शेयर करके भी आप एक सेवा करोगे, क्योंकि जिनके सर्वाइकल की दिक्कत है, जिनके जोड़ों की दिक्कत है, जिनके भाई डिस्क की समस्या है, जिसको गर्दन में जो पेन होता है, ये क्या बोले अर्पण जिसने सर्वाइकल की समस्या है, या कोई किसी का परिवार में कोई शराबी है, नशेड़ी है, चाहे वो किसी नशे कर रहा हो, उन सबको अगर पहलवान तक पहुंचाओगे तो नशे छोड़ देगा और उनके जो उनमें जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, उसको ठीक कर देंगे। ज्यादा महंगे नहीं है और बहुत बढ़िया है, कोई दूर से भी आ जाए तो उसके लिए रहने के लिए समस्या जगह नहीं। भाई जो सेवा हरी तूड़े की, जो गुड़ की, जो भी हरे चारे की है, तो को बड़े जमींदार नहीं है, दो किले जमीन है, वो भी दिल बड़ा जी, दिल बड़ा है, बाकी उस मालिक की इतनी बड़ी कृपा है कि बड़े बड़े चमत्कार हो जी, लंगड़ी लुड़िया की सेवा दे। और बाबा कृष्ण नाथ ने बताया थी दसवा हिस्सा जो अपनी कमाई का गौवा की सेवा में काट देंगे, हम नौसी दिन से दसवा हिस्सा जो है एक रुपए का 10 पैसे गौ की सेवा में लगाते हैं। जाओ गौ माता की, जाओ गौ माता की। अब नरेला में अगर किसी ने भी अगर पहलवान जी से मिलना है तो लामपुर रोड अंडरपास के बिल्कुल साथ में निंदू पहलवान जी नरेला। राम राम सारे भाई।